दिस इज अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टॉपिक ऑस्मोसिस। क्लियर? ऑस्मोसिस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ये सब ऑस्मोसिस की वजह से होता है। बाकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ऑस्मोसिस, इससे पहले एक टर्म होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इसमें क्या है, रैंडम, जैसे एक हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है CuSO4 की, ये CuSO4 की सॉल्यूशन है। इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे, अगर मान लो उसमें पानी डालते हैं तो क्या होगा, इसका कलर ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर होता है इसका। जैसे हम कॉपर सल्फेट के पाउडर को वाइट कलर का होता है, वो पानी में डालेंगे ब्लू कलर आ जाता है, और उसमें अगर पानी ज़्यादा ज़्यादा डालेंगे तो ब्लू कलर क्या होता जाएगा, फेड होता जाएगा। यानी कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई से लो। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई से लो। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन इन विच देर इज रैंडम मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, रैंडम मिक्सिंग होती है, रैंडम मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, दे बोथ मूव इन टू ईच अदर वेरी रैंडमली। क्लियर? ये होता है डिफ्यूजन, और ये हमारे गैसेज में भी होता है और सोल्यूशन में भी होता है, टेक्स प्लेस बोथ इन गैसेज एंड सोल्यूशन। और इसमें कंसनट्रेशन बिकम्स हाई, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई से लो, हाई टू लो। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हाई है तो हाई से लो हो जाएगा। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये डिफ्यूजन होता है, इसमें पावर है जो गैसेस में भी होता है और सॉल्यूशन में होता है। ऑस्मोसिस क्या है, मैं इसको एग्जांपल की जरूरत दूंगा, तब देखेंगे आगे, ताकि डेफिनेशन बहुत प्रॉपरली क्लियर हो। ऑस्मोसिस ये एक्चुअली में लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन में होता है। जैसे अगर ये सॉल्यूशन हमारी यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ पे ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? दिस इज सेमी परमिएबल, इसके नाम से भी लग रहा है सेमी परमिएबल, यानी सेमी परमिट करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यहां पे दूसरी सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पे सपोज कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सपोज मैंने पानी ले लिया, यहाँ वाटर लिया और यहाँ ले लिया NaCl का सॉल्यूशन, नमक वाला पानी ले लिया, जैसे सी वाटर ले लिया NaCl सॉल्यूशन, तो क्या होगा। अब ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है टू मूव, क्योंकि इसमें जो होल्स होते हैं ना बहुत ही माइन्यूट होते हैं, क्योंकि होल्स क्या होंगे, बहुत ही माइन्यूट होंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर से सिर्फ क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ही, और सॉरी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर पाएंगे टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें कंसंट्रेशन कैसे मूव करेगा, इसमें कंसंट्रेशन कैसे होगा, लोअर से हायर। डिफ्यूजन में क्या हुआ था, डिफ्यूजन में होता हायर से लोअर, इसमें क्या होगा, लोअर से हायर, लोअर से हायर, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो ये पोर साइज होता है, इसमें जो होल्स होते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात करें, अगर हम टी वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट तो नहीं पीते, उसको हम क्या करते हैं, नेट के थ्रू जो छन्नी होती है उससे पहले छानते हैं, तो वो उसमें होल्स क्या होते हैं, उसमें वो होल्स तो बहुत बड़े हैं, जिससे क्या है, वो जो टी के लीव्स हैं, वो जो चाय की पत्ती जो है वो पास नहीं कर पाती, टी के लीव्स नहीं पास कर पाते। लेकिन ये वाले होल्स इतने माइन्यूट है, इतने माइन्यूट कि नमक की सॉल्यूशन है वो जबकि पार्टिकल विजिबल भी नहीं है तो भी पास नहीं कर पाएंगे इसके अंदर से। तो इसमें से पास क्या करेगा, ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो इधर से सॉल्वेंट मूव करेगा इधर, और इधर से मूवमेंट अगर होता भी ना बहुत ही कम, जिससे अनइक्वल रेट से मूव करते हैं दोनों, अनइक्वल रेट से दोनों मूव करेंगे। क्लियर? तो हम मानते क्या है कि सॉल्वेंट यहां से यहां जा रहा सिर्फ। क्लियर? ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लोअर से कंसंट्रेशन हायर हुआ, लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट हुआ ना, लोअर से हायर, यहाँ कंसंट्रेशन कम था, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा था। तो बात समझ गई नहीं? तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ये नहीं लिखा था थ्रू SPM, ये जरूर क्या आना है, इसके बिना डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है। थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हुआ, डिफ्यूजन मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू दिस SPM। बिना SPM के मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको लाइन डाल देना इसमें, ताकि याद रहे थ्रू SPM जरूर लिख के आना है, मूवमेंट ऑफ लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा,
यहाँ से मूवमेंट अगर होगा भी तो बहुत ही कम होता है, जिसको नेग्लिजिबल मानते हैं, अनइक्वल रेट से, इसलिए डिफ्यूजन होता है दोनों साइड। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ये बहुत जगह फेनोमेना होता है डेली लाइफ में भी। और ये है SPM, जो हमारी स्किन है, एनिमल्स और प्लांट्स की जो आउटर स्किन है, डेट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑफ दिस SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी होती है वो। इसलिए जैसे कुछ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, कुछ को नहीं, डस्ट वगैरह को नहीं एब्जॉर्ब करती, कुछ पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकती है बॉडी, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है SPM, ये दो तरीके की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। होती क्या है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए इसकी। SPM है क्या? SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड एज SPM। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। नेचुरल में क्या आएगा, प्लांट्स और एनिमल्स की आउटर स्किन, जैसे पिग्स ब्लैडर, ये मोस्ट कॉमन है, पिग्स ब्लैडर, क्लियर, प्लांट्स और एनिमल्स की आउटर स्किन जैसे पिग्स ब्लैडर। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन क्या है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन इसमें आ जाएगा, जैसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है कॉपर फेरोसाइनाइड, CU2 Fe2N6, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर या सिलिकेट्स ऑफ आयरन कॉपर, इस तरीके से पार्चमेंट पेपर, सही ना, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर, सही ना, तो या फिर सिलिकेट्स ऑफ आयरन कॉपर वगैरह, ये क्या होते हैं, ये तीन एग्जांपल दे दी मैंने, और एक सिलिकेट्स ऑफ आयरन कॉपर ये है। और ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड है CU2 Fe2N6 बड़े ब्रैकेट में, ये कॉपर फेरोसाइनाइड जो है ना, ये नॉन एक्वस मीडियम में यूज नहीं करते। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इट इज नॉट यूज इन नॉन एक्वस मीडियम, क्योंकि नॉन एक्वस मीडियम में ना ये वाली मेम्ब्रेन सॉल्युबल हो जाती है, सॉल्युबल डिसॉल्व कर जाएगी तो खत्म हो जाएगी जल्दी, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूज नहीं होती है, इट इज नॉट यूज इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, रीजन बिकॉज इट डिसॉल्व्स इन सच सॉल्यूशन, सो कांट बी यूज इन नॉन एक्वस मीडियम। पानी में तो यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन नॉन एक्वस मीडियम में यूज नहीं कर सकते इसको, बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन सच सॉल्यूशंस। तो ये याद रखना क्वेश्चन है आपके, नेचुरल बता दिया, आर्टिफिशियल बता दिया, SPM क्या होता है, जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करे टू मूव थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज SPM, ये SPM है। तो यहाँ से अब हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, नोट कर लेंगे, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि डिफ्यूजन वगैरह छोटी क्लासेज में बहुत पढ़ते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन क्या होता है, रैंडम मिक्सिंग, पूरा लिखना आपको, रैंडम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, पहला पॉइंट, रैंडम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो और क्या होगा, डिफ्यूजन किसमें होता है, ओनली इन दिस टेक्स प्लेस इन गैसेज एज वेल एज सॉल्यूशंस, दिस टेक्स प्लेस इन गैसेज एज वेल एज सॉल्यूशंस, दोनों के अंदर होगा। तीसरा, नो SPM यूज्ड, तो इसमें क्या आ जाएंगे पॉइंट्स, ऐसे इसमें कंसंट्रेशन होगा हाई से लो, कंसंट्रेशन हाई से हाई टू लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर। तो ऐसे इसमें पॉइंट सोचेंगे क्या होगा, इसमें क्या जाएगा, इसमें रैंडम मिक्सिंग हुई है, इसमें क्या करेगा, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेगा, ओनली वाटर विल मूव, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर विल मूव, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, क्लियर, टेक्स प्लेस, ये किसमें होता है, ओनली इन सॉल्यूशंस, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्यूशंस। तीसरा, SPM इज यूज्ड, इसमें यूज होती है, इसमें कंसंट्रेशन क्या क्या होगा, लो से हाई, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। और एक और होता है कि डिफ्यूजन जो है वो इरिवर्सिबल है, डिफ्यूजन इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है और ये क्या है, रिवर्सिबल है, ये अभी पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस RO सिस्टम आजकल घरों में भी यूज होता है, रिवर्सिबल, तो यही पढ़ेंगे अभी, रिवर्सिबल, सही ना। तो ये पांच डिफरेंसेस हैं बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में 5 डिफरेंसेस हैं, ये पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे।
हम इसको कुछ ढंग से स्टडी करेंगे ना, दो तीन इक्वेशन है वो याद कर लेना, इन ऑर्डर की इंपॉर्टेंट इक्वेशन है याद भी रहनी चाहिए। जैसे अगर आयरन के 3+ आयन्स का पता लगाना है, कभी भी FeCl3 में आयरन 3+ है, इसका पता लगाना है, टेस्ट ट्यूब में लिया, इसके अंदर डाल दिया हमने पोटेशियम थायोसाइनाइड KSCN या NH4SCN या NaSCN, अमोनियम थायोसाइनाइड डाल दिया, डालते ही ना अगर कलर आ जाता ब्लड रेड कलरेशन, तो इसका मतलब उस सॉल्ट के अंदर आयरन 3+ आयन्स प्रेजेंट है, ब्लड रेड कलरेशन आ जाती है, ब्लड रेड कलर। तो ये आयरन प्लस 3 आयन्स का किसी भी सॉल्ट के अंदर जो फ्री फॉर्म में है पता लगाने के लिए ये डाल सकते हैं, पोटेशियम थायोसाइनाइड या अमोनियम थायोसाइनाइड, या फिर अगर FeCl3 की सॉल्यूशन है इसमें हम डाल दें पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये डालते ही कलर हो जाएगा प्रशियन ब्लू। FeCl3 है, क्रॉस करेंगे Fe पे 3+ चार्ज, इसको K4 हटाएंगे तो 4- चार्ज आएगा, यहाँ 4- आएगा हटाएंगे तो, ये दिखाना नहीं है अभी, तो 3+ तो क्रॉस में करेंगे Fe क्या आ जाएगा, और 4- इधर आ जाएगा, तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, तो ये आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रशियन ब्लू, प्रशियन ब्लू कलर आएगा इसका, प्रशियन ब्लू कलर। क्लियर होगी बात? तो Fe3+ पता लगाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये, और भी तरीके होते हैं लेकिन अभी ये दो पढ़ने हैं, ये दो याद कर लेंगे ना तो इनऑर्गेनिक में भी हेल्प मिलेगी, ऐसे ऐसे मैं रिएक्शन इनऑर्गेनिक की भी थोड़ी थोड़ी कवर करूंगा। आयरन 3+ आयन्स का पता लगाने के लिए किसी सॉल्ट के अंदर पोटेशियम थायोसाइनाइड डालेंगे तो ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी, और या फिर इसके अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दें, क्या डाल दें, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये डालेंगे तो क्रॉस करके Ke4 हटाया 4- आया, ये हटाया 3+ आया, क्रॉस कर देंगे इसको तो क्या देगा Fe4 FeCN6 होल थ्राइस प्रशियम ब्लू, प्रशियम ब्लू कलर। क्लियर? या फिर K4 था ना, 3K हटा दो, 1 Fe आ जाएगा, तो KFeFeCN6 ये भी प्रशियम ब्लू का फॉर्मूला हो सकता है, KFeFeCN6 सही ना, KFeFeCN6 दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर प्रशियम ब्लू, ये भी फॉर्मूला बन सकता है इसका, ये भी प्रशियम ब्लू है सेम, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। इसका एप्लीकेशन क्या है मैं अभी बताता हूँ, ये इसका मैंने यहाँ क्यों बताया, ये वैसे तो याद करनी है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए नहीं करना है इसको बिल्कुल भी रिएक्शंस को, इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ध्यान देंगे कि क्या क्वेश्चन जेई ने पूछा वो इससे रिलेटेड। सही है, क्वेश्चन बोला जैसे एक जगह ये यहाँ पे हमारे पास FeCl3 है से 0.1 मोलर, 0.1 मोलर क्या है FeCl3, और यहाँ पे है हमारे पास 0.01 मोलर NH4SCN, ये प्रेजेंट है, एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय SPM, दोनों को SPM से सेपरेट कर रखा है, ये SPM है, दिस इज SPM, ये A साइड ये B साइड, तो किस साइड जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ब्लड रेड कलरेशन आएगी, ब्लड रेड कलरेशन किस साइड आएगी, A A साइड, B B साइड, C बोथ साइड्स, डी नन ऑफ द साइड, नन ऑफ द साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना आते हुए और ये आना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचेंगे पता लगाएंगे क्या आएगा आंसर इसका। देखो ए साइड बी साइड, 0.1 मोलर ये है, 0.01 मोलर ये है, सही ना, तो अब हम देखेंगे रिएक्शन होगी, मूवमेंट क्या होता है, लोअर से हायर, कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना 0.01, यहाँ कितना 0.1, तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगी, तो यानी ए साइड हर किसी का आंसर आएगा कि ए साइड होना चाहिए, लेकिन ए साइड गलत आंसर है। रीजन क्या, NH4SCN मूव करेगा, क्या NH4SCN मूव करेगा, मूव क्या करेगा, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है यानी इसके अंदर जो पानी है वो इधर से इधर आएगा, तो पानी आने से तो ब्लू ब्लड रेड कलरेशन नहीं आएगी ना, जब ये दोनों मिलेंगे तब आएगी ब्लड रेड कलरेशन, तो यहाँ से आ क्या रहा है, सिर्फ पानी आ रहा है, सो नन ऑफ द साइड्स आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, नन ऑफ द साइड्स। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इसलिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे इससे रिलेटेड, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है जैसे, अच्छा इसमें जो प्रेशर, अब जैसे अगर मैं इसी सॉल्यूशन पे, अब ये क्या होगा, यहां पे सपोज है पॉइंट वन मोलर सॉल्यूशन है, यहां पे 0.01 मोलर सॉल्यूशन है, 300 केल्विन टेम्परेचर है सपोज पूरे सॉल्यूशन का सिस्टम पर, ये SPM है, तो अब इधर क्या होगा अपने आप ही, यहां से वाटर लोअर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर आएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या आएगा, वाटर आएगा, हमें इसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करना है कि यहां से यहां ना आए, यानी ऑस्मोसिस ना हो, क्लियर, वी वांट दैट ऑस्मोसिस शुड नॉट टेक प्लेस, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे और यहां लगा देंगे, यहां पिस्टन से क्या लगाएंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे,
ऊपर से पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब प्रेशर इस सॉल्यूशन पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से सॉल्वेंट यानी वाटर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, इस सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे क्योंकि इधर ही तो वाटर यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर जो यहाँ पे आया था वो अपने आप यहाँ चला जाएगा, और लेवल वगैरह हम चेक कर लेंगे, जो हमने प्रेशर अप्लाई किया उसको भी मेजर कर सकते हैं, किससे, प्रेशर गॉज यहाँ अप्लाई करके, यहाँ प्रेशर गॉज लगा दिया एक टू मेजर प्रेशर, सही ना, तो उससे हम प्रेशर को मेजर भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने प्रेशर अप्लाई किया ताकि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ना हो, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स, प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। एक वर्ड में बोले तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, लेकिन डेफिनेशन है तो उसमें टफ टर्म्स नहीं होनी चाहिए, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, ये जरूर क्या आना है, थ्रू एसपीएम, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक वर्ड में क्या बोलेंगे, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, समझिए बात नहीं है। और उस प्रेशर को मेजर कर लेंगे किससे, इस प्रेशर गॉज से यहाँ अप्लाई करके, सही ना, और इस प्रोसेस को आगे मैं यूज करूंगा, एक मेथड है हार्टले एंड बर्किले मेथड, हार्टले एंड बर्किले मेथड, जैसे मैंने लास्ट टाइम ऑस्टरलैंड वॉकर मेथड डिस्कस किया था टू मेजर आरवीपी, ऐसे ही हार्टले एंड बर्किले मेथड है टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, हार्टले एंड बर्किले, सेम कंसेप्ट यूज होगा उसका, सॉल्यूशन के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट यूज होगा, क्लियर हो गया नहीं है। तो और अगर इस प्रेशर को मेजर करना है, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ध्यान देना, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर, कौन से, जो हायर कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सी, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सी, एंड प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ से क्या आ गया, पी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, पी इज इक्वल टू सी आर टी, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना पी इक्वल टू आर टी, वहाँ पे पी क्या था, गैसेस के लिए प्रेशर था, यहाँ पे पी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे पी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने 11th में पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें गैसेस के लिए था, और सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें, सी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, दिस इज कॉल्ड एज मोलरिटी, सी इज कॉल्ड एज मोलरिटी, जैसे एक क्वेश्चन पूरा दे दिया और बोला कि निकालो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एच रो जी के इक्वल भी होता है, ध्यान रखना चीज का, एच रो जी के भी इक्वल कर सकते हैं इसको, जो ऑस्मोटिक राइज आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, तो पी इज टू सी आर टी अप्लाई करेंगे, पी इज टू पी को पाई भी, इसको वेंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं, ध्यान रखना, वेंट ऑफ इक्वेशन, वेंट ऑफ ने दी थी इक्वेशन, ये वेंट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं इसको, पी की जगह पाई भी लिखते हैं बुक्स में, पी की जगह पाई लिख देंगे, सही ना, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पी इज टू सी आर टी आएगा, अब यहाँ पे सी कौन सा लेंगे, सी लेंगे जो हायर कंसंट्रेशन 0.1, लेकिन ना एक्चुअल में कुछ प्रेशर तो इस पर भी लगेगा ना 0.01, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहे थे पार्टिकल्स, इधर जा रहे थे, ये पार्टिकल इधर जा रहे थे, अब इस पर जब प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दिया मैंने तो क्या होगा, इधर से सॉल्वेंट निकल के इधर जाएगा कि नहीं, अभी तो सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर है, अभी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर आ रहे थे, हमने प्रेशर अप्लाई किया इस पर, अब ये प्रेशर नहीं आएंगे, तो इस सॉल्यूशन में भी कुछ प्रेशर लगा ना, तो ये एक्चुअली सी जो होता है ना, ये होता है C1 - C2, बड़े वाले सी में से छोटे वाले सी को माइनस करेंगे आर टी, लेकिन ये वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे 0.1 - 0.01, जनरली ये वैल्यू बहुत कम होगी 0.01, तो ये कितना आ जाएगा 0.09 आ जाएगा ना, ये 0.09, 0.09 को हम 0.1 मान सकते हैं, तो इसको हम, वैसे तो डिफरेंस होता है ये, लेकिन हम जनरली क्या ले लेते हैं, इसको सी वन के इक्वली ले लेते हैं, सी वन के इक्वली ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 - 0.01 इंटू आर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू टी कितना है 300 केल्विन पे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24.63 इंटू या 2.4 के आसपास कुछ आ जाएगा, 2.4 एटमॉस्फेयर, समझ आएगा कि नहीं, तो ये प्रेशर यहाँ पे अगर सी यही वाला ले लेना 0.1 वाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों सॉल्यूशन थोड़ा बहुत प्रेशर पे भी, इस पर भी लगेगा, क्योंकि यहाँ के सॉल्वेंट तो यहाँ आ रहे थे, यहाँ से कम कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ आ रहे थे, तो इस पर भी कुछ प्रेशर लग रहा है, इसलिए दोनों का डिफरेंस होता है, समझ आएगा कि नहीं, क्योंकि इधर से सॉल्वेंट इधर आ रहा है,
हम इसको दोबारा भेज रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो इसलिए माइनस करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, और जो प्रेशर मेजर की है, प्रेशर जो मेजर की है हार्टलैंड बर्किले मेथड, वो भी सेम ऐसे ही है। एक बार थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ, बुक से देखेंगे एक बार। ये यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है, ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब जिसमें हम लेवल चेक करेंगे वाटर का, और ये रिजर्वोयर, यहां से वाटर अंदर आएगा इसके पास, यहां से वाटर आया इसके पास। ये कैपिलरी ट्यूब है जहां पे वाटर जितना राइज करेगा इसका लेवल हम मार्क कर देंगे। यहां से वाटर अंदर आया, इधर हमने लेवल मार्क कर दिया, सपोज ये लेवल है, अब ये कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। इसके ऊपर क्या होता है सॉल्यूशन, यहां पे हम अप्लाई करेंगे प्रेशर, यहां पे क्या होगा प्रेशर गॉज, ये पिस्टन से प्रेशर, ये सॉल्यूशन है यहां पे, ये सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन, ये वाटर, और यहां पे प्रेशर, यहां से, अब यहां पे सॉल्यूशन है तो इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अभी क्या होगा सॉल्वेंट यहां से जाने की कोशिश करेगा, सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि सॉल्वेंट यहां से यहां ना जाए। जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर जस्ट रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ दीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन और दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमें पता कैसे लगेगा यहाँ पे लेवल क्या है, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, यहाँ लेवल कॉन्स्टेंट है मीन्स यहाँ से वाटर यहाँ नहीं आया। अगर ये लेवल यहाँ से वाटर यहाँ जाएगा तो ये लेवल क्या होगा, कम होगा, वो हम देख लेंगे कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो हम देख लेंगे। इसको रिजर्वॉयर है ये, जहाँ से वाटर आया था एक्चुअल में, समझ गए कि नहीं। तो ये प्रेशर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो कौन मेजर करेगा, प्रेशर गॉज यहाँ से प्रेशर को मेजर कर लेगा। तो वही चीज़ है जो मैंने पीछे बताया था। तो दिस इज हार्टलैंड बर्किलेज मेथड। तो मैं एक ये चीज़ें ना पूछते कम है, बड़ी क्लासेस में कम पूछते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बता दिया इसको। दिस इज हार्टलैंड बर्किलेज मेथड फॉर मेजरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वेंट ऑफ इक्वेशन मैंने बता दिया आपको, पी इज इक्वल टू सी आर टी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ इसमें, सपोज ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, मान लो यहाँ पे 10 ग्राम शुगर है एंड 100 ग्राम वाटर, और यहाँ पे 20 ग्राम शुगर है इन 100 ग्राम वाटर, सेपरेट कर रखा है एसपीएम से सेपरेट कर रखा है। अब बोला कि मूवमेंट किस साइड से किस साइड होगा, मूवमेंट किस साइड से किस साइड होगा, और जिस साइड से भी होगा तो कितना वाटर मॉलिक्यूल वहां से दूसरी साइड जाएगा। तो मूवमेंट, अब पहले कंसंट्रेशन देखेंगे, यहां पे शुगर कम है सॉल्यूट कम है, तो यहां कंसंट्रेशन कम है, ये लेस कंसंट्रेटेड हो गई, ये क्या हो गई मोर कंसंट्रेटेड, क्योंकि इसमें शुगर ज्यादा है, मोर कंसंट्रेटेड। तो मूवमेंट होगा इससे इस तरफ होगा, यानी और कब तक होगा मूवमेंट, जब तक प्रेशर क्या नहीं हो जाता, दोनों साइड बराबर नहीं हो जाता, जब तक प्रेशर दोनों साइड क्या नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, तब तक मूवमेंट होता रहेगा। तो 10 ग्राम हमने सॉल्वेंट डाला था, 10 ग्राम सॉरी शुगर डाला था 100 ग्राम वाटर के अंदर, वाटर को हम सॉल्यूशन ही मान के चलेंगे इधर। तो 10 क्या होगा, P1 इज टू P2, यानी C1 RT C2 RT, RT RT कैंसिल, मूवमेंट अब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, N1 बाय V, N2 बाय V, सही। तो अभी यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा, अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर मैच करना है। तो यहाँ पे N1 क्या होगा 10/342, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 माइनस सॉल्वेंट, यहाँ से वाटर वहाँ पे जाएगा 100 में से, मान लिया मैंने x ग्राम गया, जब यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा प्रेशर सेम हो गया तो डेंसिटी सेम रहेगी, तो डेंसिटी D माननी है इसमें, ये नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, इन 2000 करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 20/342 100 प्लस एक्स बाई डी, ये क्या हो जाएगा डेंसिटी बराबर रहेगी, इसलिए डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको। तो 342 से 342 भी कैंसिल, तो 10 का ये 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस एक्स
इज इक्वल टू 200 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 3x 100, x आ जाएगा 33.33 ग्राम, यानी इधर रह जाएगा वाटर कितना 33.33 ग्राम यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ रह गया 67 ग्राम के आसपास और यहाँ 133 ग्राम के आसपास, यहाँ 67 ग्राम रह जाएगा, यहाँ 133 ग्राम, समझाइए कि अप्रोक्सीमेटली बता दिया मैंने आपके, समझ आया कि नहीं। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ सकता पेपर के अंदर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमने साथ साथ थोड़े बहुत कर लिया इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे एक एग्जांपल में, हाँ एक चीज रह गई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, यहाँ पे सपोज 0.1 मोलर है, यहाँ 0.01 मोलर है, ये SPM है। अब सबको पता है कि यहाँ से यहाँ पे 0.01 मोलर है और यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट यहाँ रिमूव करने की कोशिश करेगा, यहाँ पिस्टन से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि सॉल्वेंट यहाँ से ना आए, अगर यहाँ पे हमने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दिया, यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ जा रहा है, मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें इसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे अगर इस सॉल्यूशन के ऊपर तो क्या हुआ, तब यहाँ से सॉल्वेंट करके यहाँ चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या है, इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, इनिशियली ऑस्मोसिस हो रहा था सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आ रहा था, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया तो कोई मूवमेंट नहीं होगा किसी साइड, अगर रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उल्टा कर दें, प्रेशर इस पर ज़्यादा अप्लाई कर दें, इफ प्रेशर ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, देन क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, देन सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन विल मूव टुवर्ड्स सॉल्वेंट दैट इज लेसर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू SPM, थ्रू SPM, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन आया था बोर्ड में, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी अप्लाइड, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, और ये RO, ये तो पता ही है सबको, बहुत जगह यूज हो रहा है, हर घर में RO सिस्टम है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर, यानी सी वाटर से सॉल्ट को अलग करना, वाटर अलग से मिल जाए, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास था सी वाटर, यहाँ पे सी वाटर है, यहाँ पे वाटर है, तो सी वाटर तो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज ही नहीं होता, सी वाटर तो नहीं पीते हैं, समुद्र चारों तरफ है, पानी चारों तरफ होता है, लेकिन उसको पीने के लिए यूज नहीं करते, अब इस पर प्रेशर जब ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो यहाँ से वाटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टैप वगैरह लगा देंगे तो यहाँ से वाटर क्या मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, बात समझ नहीं है, तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस मेम्ब्रेन, और एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो समुद्र का पानी है उसको साफ करना है तो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, क्लियर हो गया नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन पूछते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तीनों टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई है, तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एक एग्जांपल लूंगा इसके बाद और भी बहुत सारी टर्म्स है इसके अंदर वो एक्सप्लेन करेंगे। सपोज ये है हमारे पास नॉर्मल वाटर H2O है यहाँ पे, और ये लिया मैंने यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन है नमक वाला पानी, कॉमन सॉल्ट ऐड की भी है सॉल्यूशन, अब हमने लिया, ध्यान देना, नमक वाला सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन, अब हमने लिया एग विदाउट आउटर शेल, क्या लिया, एग विदाउट आउटर शेल, एग की जो आउटर शेल है CaCO3 की बनी होती है, उसको हमने रिमूव कर दिया HCl में डाल के, एग की जो आउटर शेल है वो CaCO3 की बनी होती है, उसको हमने रिमूव कर दिया कैसे, HCl एसिड के अंदर डाल के, तो क्या होगा, अब ऊपर मेम्ब्रेन आ गई, SPM की मेम्ब्रेन आ गई, अब हमने एक बार इसको डिप किया किसमें, वाटर के अंदर, और एक बार डिप किया ब्राइन सॉल्यूशन में, तो दोनों में क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक बार डिप किया वाटर के अंदर और एक बार डिप किया हमने ब्राइन सॉल्यूशन में, तो दोनों में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर जो इसके अंदर जो वाटर के अंदर जो डाला हमने
तो क्या हुआ, वाटर के अंदर जो एग है वो स्वेल कर जाएगा, इट स्वेल्स, ध्यान से समझना, और इसके अंदर जो है वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यहीं से मैं डेफिनेशन सारी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी यहां से, ये ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा सोचेंगे तो पता लग जाएगा। क्योंकि जो एग की आउटर शेल है वो किससे बनी थी, मेम्ब्रेन से, सही ना। एग की जो आउटर शेल है वो किससे बनी थी, मेम्ब्रेन से। जब मेम्ब्रेन से बनी है तो क्या होगा, तो मेम्ब्रेन से बनी है ये, तो यहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ जो पानी है उसका कंसंट्रेशन कम होगा, कम है कंसंट्रेशन तो पानी अंदर फ्लो कर जाएगा इसके, पानी जब अंदर फ्लो कर जाएगा तो स्वेल कर जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन है, यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हाई है, तो एग के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा और ये श्रिंक कर जाएगा, तो इसलिए श्रिंक होगा, यहाँ पे स्वेलिंग होगी। अब इस सॉल्यूशन को जो कि कंसंट्रेशन में कम मान रहा हूँ, इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग हायर लेसर कंसंट्रेशन देन एनी अदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन देन एनी अदर सॉल्यूशन, लेसर कंसंट्रेटेड होती है। और कंपैरिजन करते हैं हम ज़्यादातर इसका 0.91%, 0.91% सॉल्यूशन जो होती है ना NaCl की, 0.91% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक यानी आइसो ऑस्मोटिक विद RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ध्यान रखना। 0.91% जो NaCl की सॉल्यूशन होती है वो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में सेम कंसंट्रेशन, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक, टू सॉल्यूशंस, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक भी कहते हैं इसको, आइसो ऑस्मोटिक, समझिएगा कि नहीं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, लेसर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन देन 0.91% NaCl भी लिखा होता है कई बार बुक्स में, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन, इसको स्टैंडर्ड मान रखा है, इससे कम कंसंट्रेशन होगा तो हाइपोटोनिक, या इन जनरल क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन देन एनी अदर सॉल्यूशन, इसको कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, हाइपो मींस लेसर, हाइपो मींस लेसर, और हाइपरटोनिक क्या होगी, अब इधर जो सॉल्यूशन थी, इधर जो सॉल्यूशन थी ये वाली सॉल्यूशन, अब मैंने क्या माना, ब्राइन सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा माना है ना, तो ये हाइपरटोनिक है, तो हाईली हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देन 0.91% NaCl, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो हमेशा क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, पानी इसके अंदर गया ना तो एंडो ऑस्मोसिस होगा इसके अंदर, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, एंडो ऑस्मोसिस, और एंडो ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, तो इसमें हमेशा स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग, रप्चरिंग और बर्स्टिंग भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं हीमोलिसिस, ये टर्म मैं लिख रहा हूँ पे, हीमोलिसिस, HAEMO या HEMO, चेक कर लेने पर, हीमोलिसिस, दिस इज कॉल्ड एज हीमोलिसिस। तो हाइपोटोनिक के साथ देखो कितनी सारी टर्म्स जुड़ गई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसमें हमेशा क्या होगा, एंडोस्मोसिस, एंडो मीन्स पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर गया तो उसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगी और रप्चरिंग होगा और बर्स्टिंग होगा, और इसे बोलते हैं हीमोलिसिस। तो सारी टर्म्स जुड़ गई हैं किसके साथ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, अब इसमें से फ्लूड बाहर निकला, इसमें से एक्सो हुआ, एग्जिट हुआ, तो इसमें एक्सो ऑस्मोसिस होगा हमेशा, इसमें हमेशा एक्सो ऑस्मोसिस होगा, एक्सो ऑस्मोसिस हुआ तो क्या होगा, श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज होगा, श्रिंक करेगा, श्रिंक कर रहा है, इसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, और क्रिनेशन, नॉट क्रिमेशन, और क्रिनेशन, CRENATION, CRENATION, प्लाज्मा। तो देखो कितनी सारी टर्म्स जुड़ रही हैं, सारी टर्म्स पूछी जाती हैं, एंडोस्मोसिस क्या है, एक्सोस्मोसिस क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, प्लाज्मोलिसिस क्या है, और हीमोलिसिस क्या है, ये सारी टर्म्स आपस में जुड़ी हुई हैं। नोट्स में सारा दे रखा है लेकिन पता होना चाहिए, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को। देखो एग को, एग विदाउट आउटर शेल, अगर मैंने इसको डाला किसके अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर डालेंगे तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा, पानी के अंदर डाला, एंडोस्मोसिस क्यों हुआ, क्योंकि पानी क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन कम है तो पानी अंदर फ्लो कर जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी यानी हीमोलिसिस हो गया, रप्चरिंग और बर्स्टिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स की टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने
एग विदाउट आउटर शेल, इसको डाल दिया हमने एक बार ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर। ब्राइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डाला तो अब कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, यानी ये कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें से जो फ्लूड है वो बाहर निकल जाएगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस और क्रिनेशन। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है तो एग्जोस्मोसिस होगा, एग्जोस्मोसिस है श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज है तो प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है तो एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस है स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो हाइमोलिसिस बोलते हैं। और ध्यान रखना हाइपरटॉनिक एग्जोस्मोसिस, एग्जो मीन्स एग्जिट यानी पानी बाहर निकल रहा है, पानी यानी फ्लूड जो अंदर है वो बाहर निकल रहा है, समझेगा कि नहीं। तो ये टर्म 10 बार बोलेंगे ताकि याद रहे। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा, हाइपर यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो उसका लिक्विड बाहर निकलेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, एग्जोस्मोसिस, एग्जिट, एग्जो से एग्जिट याद कर लेना, एग्जिट से एग्जो हो जाएगा, एग्जो ऑस्मोसिस होगा तो श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेलिंग होगी, एंडो पानी अंदर जाएगा तो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो हीमोलिसिस बोलते हैं। टर्म्स क्लियर हो गए कि नहीं है? तो सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग डेफिनेशन सब पूछते हैं तो आना चाहिए। एक टर्म और ली थी मैंने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक, आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक। क्लियर होगी बात की नहीं है? तो ये इसके अंदर ध्यान रखने सारे टर्म्स, और भूलना नहीं बिल्कुल भी इसमें कुछ। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन देन एनी अदर सॉल्यूशन और 0.91% सॉल्यूशन ऑफ आरबीसीज, जो कि हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, सही ना, आइसोटोनिक आरबीसीज का आइसोटोनिक है, 0.91% ब्राइन सॉल्यूशन। तो और दूसरा क्या बोला मैंने यहाँ पे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग लेसर कंसंट्रेशन देन एनी अदर सॉल्यूशन और 0.91% NaCl सॉल्यूशन। और तीसरा बोला एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस मींस इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, एंडो मींस इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, एंडो मींस इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट। और ये कब होगा, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इट टेक्स प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक्सोऑस्मोसिस मींस एक्सो यानी आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, आउटफ्लो ऑफ सॉल्वेंट। और कब होगा ये, जब बाहर वाली सॉल्यूशन क्या होगी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, इसे श्रिंकेज स्वेलिंग होगी। प्लाज्मोलिसिस क्या था, प्लाज्मोलिसिस श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट, श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ये कौन से सॉल्यूशन में होगा, श्रिंकेज कब होंगे, प्लांट्स के सेल वॉल श्रिंक कब करेंगे, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक में श्रिंकेज, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सही ना। और हीमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस या क्रिनेशन भी कहते हैं इसको। दूसरा, दूसरी टर्म क्या थी, हीमोलिसिस, हीमोलिसिस दिस इज बर्स्टिंग, बर्स्टिंग और रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, बर्स्टिंग और रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। और ये कब होगा, इन विच सॉल्यूशन, इन हाइपोटोनिक, तो पानी अंदर फ्लो कर जाएगा और बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसको हीमोलिसिस बोलेंगे। तो सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अब है, मैंने एक टर्म बताई यहाँ पे आइसोटोनिक, वो क्या होती है, टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। एक होती है आइसोपीस्टिक, ये कोर्स में नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो करना है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आइसोपीस्टिक सॉल्यूशन क्या होती है, टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम वेपर प्रेशर, सेम वेपर प्रेशर। आइसोपिकनिक भी होता है, आइसोपिकनिक, मन करेगा तो करेंगे इसको, नहीं तो छोड़ देंगे, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम डेंसिटी, तो आइसोपिकनिक। नेक्स्ट एक टर्म है टर्जर, ये क्या, प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सेल वॉल, प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सेल वॉल ड्यू टू इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ड्यू टू इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। प्रेशर जो डेवलप होगा जब पानी अंदर जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, टर्जर बोलते हैं, टर्जर, ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट टर्म इसके अंदर आती है, और एडिमा, एडिमा मीन्स इन्फ्लेमेशन, एडिमा इन्फ्लेमेशन, एक वर्ड में कोई पूछे तो बोलेगा इन्फ्लेमेशन जो हो रही है, जो स्वेलिंग हो रही है,
ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट्स, स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट्स, दिस इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन द, दिस इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन द टिश्यूज, इन द टिश्यूज, पानी की वजह से ना, ओइंग टू ऑस्मोसिस, दिस इज ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन द टिश्यूज ओइंग टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस, सही ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं एडिमा, दिस इज कॉल्ड एज एडिमा। तो एडिमा, अब ये इसमें अब क्वेश्चन क्या आते हैं, अब इसको एडिमा को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एडिमा को खत्म करने के, डॉक्टर्स बोलते हैं ना जैसे वो टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं नमक के गरारे करने हैं, नमक के गार्गल्स करने हैं। तो क्वेश्चन आता है वाई गार्ग, वाई डॉक्टर एडवाइजेस गार्गल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, वाई डॉक्टर एडवाइजेस गार्गल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, डॉक्टर एडवाइजेस गार्गल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन आई है, जो इन्फ्लेमेशन आई है, जो एडिमा आया है, जो इन्फ्लेमेशन आई है, जैसे ही हम गार्गल्स करेंगे सोर, गार्गल्स करेंगे नमक वाले पानी के साथ, नमक वाले पानी से गरारे करने से क्या होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अब इसमें इसमें क्या हो जाएगा, जो एडिमा के अंदर, जो एडिमा में जो टिश्यू स्वेल हो गए हैं उसमें जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, एक्जो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, एक्जो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। जब एक्सो ऑस्मोसिस होगा, एक्सो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, एक्सो ऑस्मोसिस होने से क्या होगा, जो भी अंदर फ्लूइड है जिसकी वजह से स्वेलिंग हुई थी, तो वो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब बाहर निकल जाएगा तो पेन भी लेस होगा और स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी, पेन लेस होगा और स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। और ये कब तक होगा एक्सो ऑस्मोसिस, जब तक नमक वाली सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और जो एडिमा बनाया है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, टिश्यू के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाते, तो उससे पेन रिलीफ हो जाता है। ये 8-10 बार करते हैं, दिन में 2-3 बार करेंगे तो ये ठीक हो जाता है इससे। तो ये डॉक्टर एडवाइज करता है गागल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, वाई दिस गागल्स आर एडवाइजेस ड्यूरिंग, आर एडवाइज ड्यूरिंग सोर थ्रोट बिकॉज हाइपर, ब्राइन सोल्यूशन इज हाइपर टॉनिक सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन इज हाइपर टॉनिक सोल्यूशन, देर फोर एक्जो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, एक्जो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड दिस विल टेक प्लेस टिल द कंसनट्रेशन ऑफ, कंसनट्रेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू एंड कंसनट्रेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन बिकम्स इक्वल, दिस लीड्स टू, दिस लीड्स टू क्योरिंग ऑफ द टिश्यू। इससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो जाएगी और पेन भी खत्म हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डॉक्टर एडवाइजेस गागल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, कुछ भी नहीं आता तो ये लाइन तो लिख के आनी है, इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन एक्जो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है एक्जो ऑस्मोसिस होगा, जो फ्लूइड है अंदर टिश्यू के वो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो इससे स्वेलिंग कम हो जाएगी, पेन भी कम होगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक बाहर का कंसंट्रेशन, ब्राइन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन और टिश्यू के अंदर जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड का बराबर नहीं हो जाते, तब तक ये होगा। दिस दैट्स व्हाई डॉक्टर एडवाइजेस गर्गल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, तो नमक के गरारे इसलिए एडवाइज करते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये, यह क्वेश्चन यहाँ पे आया था मैंने बता दिया। यहाँ पे नेक्स्ट है ये, जैसे अगर मैं ग्रेप्स को ब्राइन सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा, ग्रेप्स को ब्राइन सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा, नमक वाले पानी में ग्रेप्स को, नमक वाला पानी है इसमें ग्रेप्स वगैरह डाल दिए हमने, ग्रेप्स वगैरह डाल दिए तो क्या हो जाएगा, इससे ग्रेप्स डालेंगे तो क्या कर जाएंगे, नमक वाला पानी है ना ब्राइन सॉल्यूशन, कौन सा है ये पानी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक है कि नहीं, हाइपरटोनिक में क्या होगा इनका श्रिंकेज, हाइपरटोनिक है तो श्रिंकेज, तो ये श्रिंक कर जाएंगे, ब्राइन सॉल्यूशन है इसके अंदर से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और ये श्रिंक कर जाएंगे। ऐसे ही रेजिन्स अगर है, रेजिन्स है किशमिश वगैरह होता है ना रेजिन्स, अगर इसको हम डालेंगे ब्राइन सॉल्यूशन पानी में, किशमिश को पानी में, वाटर में डालेंगे तो ये स्वेल कर जाते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी आउट, वही आउटर स्किन क्या है, मेम्ब्रेन की बनी हुई है, पानी अंदर फ्लो कर जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा, तो एंडोस्मोसिस होगा इसके अंदर, क्या होगा, एंडोस्मोसिस, रेजिन्स इन वाटर स्वेल बट ग्रेप्स इन ब्राइन सॉल्यूशन श्रिंक, ग्रेप्स इन ब्राइन सॉल्यूशन श्रिंक ड्यू टू एक्जो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, वेर एज रेजेंस इन वाटर स्वेल, रेजेंस इन वाटर स्वेल ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस, ये छोटी छोटी टर्म्स है पूछते हैं ये। फिर अगला क्वेश्चन जैसे बोर्ड में आया हुआ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच हैव बीन ड्राइड
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच हैव बीन ड्राइड इफ दे आर केप्ट इन वाटर देन दे अगेन लुक फ्रेश. फ्रूट्स और वेजिटेबल जो ड्राई हो चुके हैं अगर हम उसको पानी में रखते हैं तो अगेन फ्रेश हो जाते हैं वो. क्यों? क्योंकि पानी के अंदर वो पानी जो है अंदर फ्लो कर जाएगा, एंडोसमोसिस होगा बिकॉज ऑफ एंडोसमोसिस. पानी अंदर फ्लो कर जाएगा, एंडोसमोसिस होगा, सो अगेन दे विल लुक फ्रेश. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच हैव बीन ड्राइड व्हेन दे आर केप्ट इन ड्राइंग व्हेन दे आर केप्ट इन वाटर दे अगेन लुक फ्रेश. तो ड्यू टू एंडोसमोसिस याद रहेगा. एंड दिस प्रोसेस ये बोला वुड ए टेम्परेचर राइज, अगला पार्ट था इस क्वेश्चन का, वुड ए टेम्परेचर राइज एक्सेलरेट द प्रोसेस और नॉट. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, दिस विल एक्सेलरेट द प्रोसेस. तो ऑस्मोसिस और फास्ट हो जाएगा. पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, टेम्परेचर राइज विल एक्सेलरेट द प्रोसेस. खुद लिखना, मैंने बोल दिया पूरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच हैव बीन ड्राइड व्हेन दे आर केप्ट इन वाटर दे अगेन लुक फ्रेश. वाई? तो क्या आएगा? ड्यू टू एंडोसमोसिस. दूसरा बोला मैंने पार्ट इसी का, वुड ए टेम्परेचर राइज एक्सेलरेट द प्रोसेस और नॉट. टेम्परेचर राइज विल एक्सेलरेट द प्रोसेस. टेम्परेचर राइज विल एक्सेलरेट द प्रोसेस. क्यों? ड्यू टू एज पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑस्मोसिस फास्ट हो जाएगा. टेम्परेचर राइज विल एक्सेलरेट द प्रोसेस. नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें. फिर जैसे विल्टेड फ्लावर्स हैं जो फूल मुरझा गए हैं, उसको पानी में रखते हैं तो वो फ्रेश दिखते हैं. विल्टेड फ्लावर्स लुक फ्रेश व्हेन केप्ट इन, विल्टेड फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेश लगते हैं जब हम उनको कहाँ रखते हैं? पानी के अंदर. अगेन बिकॉज ऑफ एंडोसमोसिस. अगेन बिकॉज ऑफ एंडोसमोसिस. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये. और क्वेश्चन इसमें जैसे क्वेश्चन है इसका जैसे ये, मीट इज प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट. मीट को प्रिजर्व, शुगर और सॉल्ट सबको पता है किसका काम करते हैं? प्रिजर्वेटिव का. मीट इज प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट. तो इसका क्या आंसर आएगा? सॉल्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है मीट के ऊपर, मीट वगैरह स्पॉइल कैसे होता है, वो खराब कैसे हो जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसकी वजह से उसको स्पॉइल कर देते हैं. तो जैसे ही हम सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट डालते ही बैक्टीरिया क्या करेगा? वो अपना मॉइस्चर लूज कर देगा एंड अल्टीमेटली इट विल डाई. एक तरह से इसके ऊपर सोल्यूशन कौन सी आ गई है? ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाल दिया हमने, नमक वाली सोल्यूशन, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. सो बैक्टीरिया इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, बैक्टीरिया विल लूज इट्स मॉइस्चर. बैक्टीरिया लूजेज इट्स मॉइस्चर. मॉइस्चर क्या हो रहा है? एक तरह से एक्सोऑस्मोसिस. ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्सोऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन. एक्सोऑस्मोसिस टेकिंग प्लेस. बैक्टीरिया विल लूज इट्स मॉइस्चर एंड अल्टीमेटली इट विल डाई एंड अल्टीमेटली डाइज. समझे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे. तो ये मीट इज प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया अपना मॉइस्चर लूज कर देगा यानी एक्सोसमोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे मैंगो पिकल्स बनाने होते हैं, वो आम का अचार वगैरह बनाना होता है, तो पहले इसको ब्राइन वाटर में, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डालते हैं. व्हाई मैंगोज दे आर केप्ट इन ब्राइन सॉल्यूशन बिफोर मेकिंग पिकल्स. मैंगोज केप्ट इन ब्राइन सॉल्यूशन. मैंगोज केप्ट इन ब्राइन सॉल्यूशन बिफोर प्रिपेयरिंग और मेकिंग पिकल्स. तो ये ऐसा क्यों करते हैं? तो सेम वही चीज़ है. इन ब्राइन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इन ब्राइन सॉल्यूशन क्या होगा? ब्राइन सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो यही चीज लिखनी है इसके अंदर भी. एक ही टाइप के आंसर है. इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है मैंगो के अंदर, जो कच्चा आम होता है उसमें फ्लूड जो भी प्रेजेंट है वो सब बाहर निकल जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन में, और सुखा लेंगे उसको तो खराब नहीं होगा जल्दी वो. इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक्सोऑस्मोसिस ऑफ मैंगोज विल टेक प्लेस. एक्सोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस. सो जो फ्लूड प्रेजेंट है मैंगो में वो लूज हो जाएगा और वो खराब नहीं होंगे. अब ये लंबे टाइम तक रहेंगे, सही ना? तो बिफोर मेकिंग पिकल्स ऑल्सो दे आर केप्ट इन ब्राइन सॉल्यूशन. नमक वाले पानी में रखते हैं इसको. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आने चाहिए सारे. ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हुए हैं काफ़ी, तो सारे क्वेश्चंस आने चाहिए. नेक्स्ट है फिर एडिमा वगैरह बता दिया इसमें. हाँ फिर ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया आपको 0.91%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इंट्रावीनस इंजेक्शन जब देते हैं पेशेंट को तो ग्रेट केयर हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. ग्रेट केयर इज टेकन
वाइल गिविंग इंट्रावीनस इंजेक्शन टू पेशेंट्स, ऐसा क्यों करते हैं? रीजन देखो, कोई भी मेडिसिन अगर हमें देनी है थ्रू इंजेक्शन, कोई भी मेडिसिन देनी है पेशेंट को थ्रू इंजेक्शन, तो हम पहले तो ब्राइन सॉल्यूशन बनाएंगे, ब्राइन नमक वाला पानी बनाते हैं इंजेक्शन के अंदर, नमक वाला पानी यानी जो आइसोटोनिक हो ब्लड के, किसके ब्लड के साथ, आइस, सो डैट बिकॉज सिंस वी नो 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद RBCs, तो कंसंट्रेशन जो है जो ब्लड के साथ, ब्लड के कंसंट्रेशन के साथ आइसोटोनिक नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, RBCs विल मे बी मे गेट स्वेल अप, मे लीड टू दिस, इफ इफ द कंसंट्रेशन इज लेस, इफ कंसंट्रेशन इज लेस 0.1% सपोज, देन RBCs विल स्वेल अप, एंड इफ कंसंट्रेशन इज मोर से 1% देन RBCs विल श्रिंक, तो 0.1 कम अगर कंसंट्रेशन है तो RBCs क्या कर सकते हैं, स्वेल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो RBCs के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा और वो श्रिंक कर सकते हैं, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस स्वेलिंग और श्रिंकिंग ग्रेट केयर इज टेकन दैट सॉल्यूशन विच इज टू बी इंजेक्टेड, सॉल्यूशन विच इज टू बी इंजेक्टेड शुड बी आइसोटोनिक विद RBCs, ये लिखना है, ग्रेट केयर समझ गए क्या चीज़ है ये, सॉल्यूशन विच इज टू बी इंजेक्टेड, सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड शुड बी आइसोटोनिक विद RBCs, शुड बी आइसोटोनिक विद RBCs इन ऑर्डर टू अवॉइड, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ RBCs, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ RBCs, और श्रिंकिंग ऑफ RBCs, तो ये ध्यान रखना है, वाई दिस केयर इज टेकन ड्यूरिंग गिविंग वाइल गिविंग इंट्रावीनियस इंजेक्शन टू पेशेंट्स, ताकि जो सॉल्यूशन हम इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के अंदर वो सॉल्यूशन और ब्लड का जो कंसंट्रेशन है दोनों क्या हो, आपस में आइसोटोनिक हो, और आइसोटोनिक नहीं होंगे कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन का 0.91% से कम हो जाता है, कम हो जाता है ना 0.1% हो जाता है, तो RBCs क्या कर जाएंगे, कम कंसंट्रेशन है तो RBCs क्या होंगे, स्वेल अप कर जाएंगे, ये कि हाइपोटोनिक हो गया, और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, 0.91% होगा तो ना स्वेलिंग होगी ना श्रिंकिंग होगी, क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में कि व्हाट हैपेंस टू RBCs इन 0.1% NaCl, 0.1% अगर NaCl है तो RBCs क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे, 1% NaCl है तो RBCs क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे, क्योंकि 0.1% क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, 1% क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक में क्या होता है, श्रिंकेज, हाइपरटोनिक में क्या होता है, एंडोस्मोसिस और स्वेलिंग, समझ आएगा कि नहीं, तो ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, ये आना चाहिए, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विद RBCs, सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड शुड बी आइसोटोनिक विद RBCs इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ RBCs, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल्स, फिर एक क्वेश्चन और है इसके अंदर वैसे तो, क्वेश्चन है, चलो ये भी देख लेते हैं एक बार, जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया, RLVP पढ़ लिया, एक टर्म देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, नॉट अपॉन इट्स नेचर, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन, पूरा लिखना डेफिनेशन, विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट अपॉन इट्स नेचर, those properties which depend upon number of moles of solute not upon its nature, उन्हें क्या बोलते हैं, colligative properties, they are called as colligative properties, जैसे example लिया मैंने, इसमें एक है RLVP relative lowering of vapor pressure, discuss किया था last time, this is proportional to mole fraction of solute, तो आगे number of moles इसके अंदर question आया why RLVP is a colligative property, because it is depending upon mole fraction, that means it depends upon number of moles of solute, therefore it is colligative property. कोई भी question आता है, why elevation in boiling point is a colligative property, why depression in freezing point is a colligative property, why osmotic pressure is a colligative property, ये चार ही है, because they are depending upon number of moles of solute. RLVP मैंने बता दिया, next मैं बोल रहा हूँ इसमें osmotic pressure, P
P2CRT था, ये भी किसमें, सी मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब नंबर मोल्स, अगेन इट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छा ध्यान रखना कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को नहीं बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही ना, क्योंकि उसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसलिए। तीसरी प्रॉपर्टी है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KBM, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा टी बी को मैं बोल रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं एक टर्म में इसको समझा देता हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी में नमक डाल दिया, पानी में नमक डाल दिया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस, तो एलिवेशन कितने का आया, एलिवेशन आया 2 डिग्री सेल्सियस का, तो डेल्टा टी बी हो गया 2। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी में नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया, सपोज बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस, तो एलिवेशन कितने का आया 2 डिग्री सेल्सियस का, तो 2 डिग्री सेल्सियस हो गया डेल्टा टी बी, समझे कि नहीं। और के बी कॉन्स्टेंट है, एम मोलैलिटी है, तो डेल्टा टी बी पर डिपेंड कर रहा है ना नंबर मोल्स पे, मोलैलिटी मतलब नंबर मोल्स, मोलैलिटी का मतलब क्या है नंबर मोल्स, सो अगेन इट इज क्वालिटी प्रॉपर्टी। ऐसे ही डेल्टा टी एफ, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है के एफ इंटू एम, ये भी पढ़ना है मेरी डिटेल में, के एफ इंटू एम, तो ये भी क्वालिटी प्रॉपर्टी। डेल्टा टी क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पानी में हमने कुछ डाल दिया सॉल्यूट, नमक वगैरह डाल देंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, नेगेटिव हो जाएगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, पानी में डाल दिया मैंने नमक, अब इसको फ्रीज करेंगे ना तो -2 डिग्री सेल्सियस आएगा, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस कुछ भी आता है, तो डेल्टा टी एफ क्या होगा सॉल्वेंट का, ये डेल्टा टी बी जो आया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सही ना, 102 माइनस 100, तो इसमें क्या आएगा, इसमें डेल्टा टी एफ ये तो पॉजिटिव आएगा, डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, मैं यहाँ जो टी लिख रहा हूँ ना ये फ्रीजिंग पॉइंट है, टी ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेगेटिव हो गया ना, जैसे ये सॉल्वेंट का 0 था डिग्री सेल्सियस, -2 हो गया, तो अब आ गया ना 2, तो ये नेगेटिव हो जाता है। डेल्टा टी एफ का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पानी में नमक डालने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये चारों क्वालिटी प्रॉपर्टीज हैं, क्यों हैं, बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान रखना कि डेल्टा टी बी क्वालिटी प्रॉपर्टी है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वालिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं है क्वालिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, पानी में 100 ग्राम लूँ तब भी बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, पानी में 1 किलो ले लूँ, 1 लीटर ले लूँ तब भी क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस ही, तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो नंबर मोल्स पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन डेल्टा टी भी डिपेंड करता है। ऐसे ही डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्वालिटी प्रॉपर्टी, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना पानी का, चाहे पानी तुम 1 लीटर ले लो चाहे 50 लीटर ले लो, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए क्वालिटी प्रॉपर्टी, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और एक चीज़ अगर और ध्यान रख सकते हैं ना यहाँ पे, तो अभी से ध्यान रख लेना, तो बाद में ना ये चीज़ मिस नहीं होती है, हालांकि बुक्स वगैरह कहीं लिखा नहीं होगा ऐसा, लेकिन मैं जानू से बता रहा हूँ ताकि ना न्यूमेरिकल्स मिस ना हो इससे। इसमें ना एक टर्म आई और जोड़ देना, वेंट ऑफ फैक्टर, आई क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, इसमें भी आई जोड़ देना, वेंट ऑफ फैक्टर ICRT, इसमें भी आई जोड़ देना वेंट ऑफ फैक्टर, ये है क्या, मैं अभी एक वर्ड में बता रहा हूँ सिर्फ, जैसे NaCl है, ये जो अभी तक हमने पढ़े ना सॉल्यूट, वो ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज इस टाइप के थे जो डिसोसिएट नहीं होते, अगर सॉल्यूट हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में ले लें जैसे NaCl, तो NaCl टूटेगा Na+ + Cl- नेगेटिव में, तो इसमें आई की वैल्यू भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, आई की वैल्यू इसमें 2 होती है, दो आयंस मिले ना 1+1 2, अभी कितना डिसोसिएट हुआ मान लो 90% डिसोसिएट हुआ, तो आई की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी 2 से, वो बात की बात है, इसलिए मैंने आई इंट्रोड्यूस कर दिया, ये इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा, जहां पे भी नंबर मोल्स सॉल्यूट आएंगे वहां पे आई जरूर लगा देना, लेकिन आई कब लगाएंगे जब इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ग्लूकोज है तो I1 हो जाएगा, यूरिया है तो I1 होगा, सुक्रोज होगा तो I1 होगा, CaCl2 के लिए आई क्या होगा, सही कितना आंसर उठेगा Ca2+ + 2Cl-, आई कितना होगा 3, 100% डिसीजन अगर इसका हो रहा है तो I3, ये मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, अभी समझ आ गया तो लिख देना, जहां पे भी नंबर मोल्स सॉल्यूट आएगा वहां पे आई लगा देना, अगर याद रखते हो याद कर लेना इस चीज को, आई क्या है वेंट ऑफ फैक्टर, नॉट एन फैक्टर अलग है, एन फैक्टर इसका 1 है, वेंट ऑफ फैक्टर 2 है, एन फैक्टर इसका 2 है, 2+4 जा रहा है ना, एन फैक्टर 2 है इसका, लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर कितना है 3, 1+2 3, 3 आयंस है, आई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के बताया, ये एक क्वेश्चन था इसलिए उसको डिस्कस करने के लिए, और वो क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक, हमने अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मास मेजर करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं, नॉट अदर क्वालिटी प्रॉपर्टीज, मतलब 10 साल के अंदर ना 4 बार क्वेश्चन आ चुका बोर्ड में, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट
वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रेफर्ड ओवर ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन मेजरिंग मास ऑफ मैक्रोमोल्यूल्स इन मेजरिंग मास ऑफ मैक्रोमोल्यूल्स मैक्रोमोल्यूल्स यानी बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे इनका मास 10,000 से ऊपर हो, 10,000 से ऊपर हो, सही है। सोडियम मास कितना होता है? 23 होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिनका मास 10,000 के आसपास हो, 10,000 से 50,000 के, 30,000 के आसपास। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर क्यों करते, मेजरमेंट को क्यों प्रेफर करते हैं जबकि हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जबकि हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहला पॉइंट है इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज एट रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे होता है। तो इस पे क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल टूटेंगे नहीं, बट डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज एट हायर और एलिवेटेड टेम्परेचर एट विच मैक्रो मॉलिक्यूल मे डिसोसिएट। समझे कि नहीं? ये पहला पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे होता है, जिसपे हम आसानी से मेजर करेंगे, कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। लेकिन दूसरी क्वालिटी प्रॉपर्टीज, एग्जांपल ये डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हायर टेम्परेचर पे होती है, 100 से ऊपर टेम्परेचर पे होगी तो उस पर बड़ा मॉलिक्यूल टूट भी सकता है, तो इसलिए। और अगर डेल्टा टी फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं तो एसोसिएट हो सकता है, इसलिए। दूसरा पॉइंट, इवन फॉर लेसर कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजरेबल। मतलब क्या है, देखो जब मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो नॉर्मल मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास ज्यादा है कि कम? बहुत ज्यादा। मोलर मास बहुत ज्यादा तो नॉर्मल मोल्स क्या आएंगे? बहुत ही कम। नॉर्मल मोल्स क्या आएंगे? बहुत कम। यही तो लिखा मैंने, नॉर्मल मोल्स कम यानी कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन होता है नॉर्मल मोल्स बाय वॉल्यूम। तो इवन फॉर लेसर कंसंट्रेशन, बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए कंसंट्रेशन जो है कम ही आएगा, कंसंट्रेशन कम है तो भी वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? मेजरेबल। वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरेबल है। कैसे? मान लो अगर मैंने डेल्टा टी भी लिया होता, वैल्यू आती 0.01 केल्विन, केल्विन में आंसर आता है इसका, तो 0.01 केल्विन का मेजर हो सकता है? नहीं। डेल्टा टी एफ लिया होता, 0.01 आया, नहीं है मेजरेबल। लेकिन अगर मैं पी लूंगा, वो आ गया 0.01, तो ये किस में आता है? एटमोसफेयर में। 0.01 एटमोसफेयर यानी 7.6 मिलीमीटर, इसको तो मेजर कर सकते हैं ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट समझे कि नहीं? तो इसलिए दिस कम्स आउट टू बी मेजरेबल, वेयर एज अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट मेजरेबल। तो ये पॉइंट याद रखते हैं इसको। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे आर एट हायर टेम्परेचर एट विच मैक्रो मॉलिक्यूल में डिसोसिएट। और दूसरा पॉइंट, मैक्रो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मास तो ज़्यादा ही होगा, कंसंट्रेशन कम आएगा, कंसंट्रेशन कम होने के बावजूद ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो मेजरेबल आती है। मेजरेबल कैसे आती है? जबकि हायर दूसरी वैल्यू जो है मेजरेबल नहीं होती। मान लो उसकी वैल्यू आ गई 0.01, तो 0.01 अगर डेल्टा टी भी होता तो उसकी वैल्यू भी 0.01 होती। 0.01 में केल्विन है, 0.01 क्या है? केल्विन है, ये तो मेजर कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर प्रेशर है 0.01 एटमोसफेयर है तो वो तो 7.6 मिलीमीटर है, वो आसानी से मेजर हो जाएगा। तो ये सेकेंड पॉइंट था, यही दो पॉइंट करने हैं। और तीसरा भी वैसे लिख लेते हैं, लेकिन हालांकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो याद करने हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट में ना मोलरिटी आता है। सी क्या है? मोलरिटी। जबकि डेल्टा टी बी इज टू के बी एम, इसमें भी क्या आया? मोलरिटी। डेल्टा टी एफ के एफ एम, इसमें भी क्या आया? मोलरिटी। तो अगर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा तो पता नहीं लगेगा हमें, क्योंकि टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है? सिर्फ मोलरिटी को, मोलरिटी को या मोल फ्रैक्शन को तो अफेक्ट करता ही नहीं है। इसलिए भी प्रेफर करते हैं किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट को। तो दो करने जरूर, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट यूजेज मोलरिटी, अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यूजेज मोलरिटी, तो इसलिए भी हम इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना तो ही मार्क्स मिलेंगे, कि एक तो ये रूम टेम्परेचर पे होता है, दूसरा लेसर कंसंट्रेशन पे भी इसकी वैल्यू क्या आती है? मेजरेबल आती है। समझ आएगा कि नहीं? तो ये इसमें करना है। नेक्स्ट आएगा इसकी न्यूमेरिकल्स। चलो न्यूमेरिकल्स इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके, अभी सही ना, तो काफ़ी टाइम हो गया अभी, आपने नेक्स्ट टाइम करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके। प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, दो तीन बार थ्योरी खुद मन में बोल के देखना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक्स।